और सैर सपाटे के शायकीन के लिए अच्छी खबर आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सियाहत पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं। सियाहों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी गई। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान ने इलाके में सियाहत के शोबे को खोलने के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद महकमा सियाहत गिलगित बल्तिस्तान ने 5 माह से आयद पाबंदी खत्म करते हुए सियाहती सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत दे दी। महकमा सियाहत ने इस हवाले से SOPs जारी कर दिए हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। SOPs के तहत गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सियाहों के लिए कोरोना टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग की तफसीलात जमा कराना लाजिम करार दी गई हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान के सियाहत पर पाबंदियां खत्म होने पर सियाहों के साथ साथ सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता 5 माह से बंद होने वाले कारोबारी अफराद को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खूबसूरत वादियों, मैं यहाँ कराची से आया हूँ। हुकूमत ने जब जैसे ही पाबंदी हटाई है यहाँ टूरिज्म से, तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हुए हैं, इस पे हम खुद पहले अमल करेंगे जी 100%। उसके बाद हम आने वाले तमाम सियाहों को भी हम इस चीज़ पे मुतमिन करेंगे कि वो भी तमाम तरह SOPs पे अमल करके हम अपने पास स्टे करवाएंगे। हुकूमत से हम बहुत खुश हैं कि 4 माह से हमारा काम कारोबार, ट्रांसपोर्ट का काम कारोबार बंद था, होटलिंग बंद थी, सब कारोबार बंद थे, और ये अल्लाह, हम चाहते हैं कि भाई अल्लाह करे कि हमारा काम कारोबार चले।